हेलो दोस्तों, आज हमारी युवावस्था टीम के नेपाल भ्रमण का आखिरी स्टॉपेज है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं चितवन नेशनल पार्क, जो कि नेपाल में बहुत ही मतलब आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और इसमें जो सबसे स्पेशल बात मैं आपको बता दूँ, और हमारी पूरी टीम ये देखिए जंगल सफारी में बैठ चुकी है। हम लोग पूरा जंगल का मजा लेने के लिए बैठे हुए हैं, सब लोग जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पशु पक्षियों को संरक्षण प्राप्त हो सके। संरक्षण बहुत देना जरूरी होता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर ये जीव जंतु हमारे बीच से हट जाएं तो शायद हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके बिना अधूरी होती हैं। चितवन नेशनल पार्क में जो स्पेशली हम लोग देखने जा रहे हैं वो वन हॉर्न राइनासोर्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि वन हॉर्न राइनासोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये विश्व में चौथा सबसे बड़ा जलचर प्राणी है, और ये संकट ग्रस्त होता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनका जो आवास है, इनको जिस तरीके का आवास रहने के लिए चाहिए होता है, सर्वाइवल जो इनका है, वो आवास कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे इस चितवन नेशनल पार्क में कि किस टाइप के आवास की इनको ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि भारत में एक सींग वाला जो ये राइनोसोर है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। बाकी नेपाल के इस तराई क्षेत्रों में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है, तो इसके लिए ये चितवन नेशनल पार्क को घूमना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोग आपको उसकी भी शेयर कराएंगे, जब जैसे हम लोग जंगल में प्रवेश करेंगे कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो भेजें। इसके साथ साथ और भी अन्य जीव जंतु जैसे मगरमच्छ और घड़ियाल और टाइगर वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध है ये नेशनल पार्क, तो सारी चीज़ों को देखेंगे फ्रेंड्स और कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा सा सफ़र कराएं। थैंक यू।